नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिला स्तर पे, हल्का स्तर पे पूरी तरह से उसको रिवाइज करना चाहते हैं, अच्छे लोगों को लेकर के संगठन में आगे लेकर के आना चाहते हैं। क्योंकि जब संगठन हमने बढ़ाया तो आनंद फानंद में बना था, दोनों चुनाव जो बड़े चुनाव हैं, पहले पार्लियामेंट का उसके बाद विधानसभा का, दोनों चुनाव आए और उस वजह से कुछ कमियां रह जाती हैं, तो मेरे लिए तो इसलिए आपसे वार्ता करना चाहते थे कि संगठन द्वारा से रिवाइज करना चाहते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें पिछले समय के दौरान हमारे सामने आई हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट के मामले को लेकर के बहुत सारी बातें विपक्ष ने कही, लेकिन मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से इस ऐसे समय के दौरान, जबकि एक कोरोना महामारी में से पूरा देश प्रदेश द्वारा लड़ाई लड़ रहा था, उस दौरान बहुत ही बढ़िया तरीके से जो प्रोक्योरमेंट है उसको करने का काम किया और लगभग ये मान के चलें कि 95% किसान का जो पैसा था उनके खातों में देने का काम किया। बहुत सारे चैलेंज सरकार को थे, बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही थी कि किसान को लूट लिया, आढ़ती को लूट लिया। आज वही किसान तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से, बावजूद विपरीत परिस्थितियों के, कि मौसम कभी भी आज तक ऐसा नहीं रहा गवर्नमेंट के समय में कि इतनी बार बरसात आई हो, उसके बावजूद भी उसको सक्सेसफुली जो है ना अंजाम देने का काम किया। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई, तो मैं तो किसानों की तरफ से भी धन्यवाद करूंगा सरकार का। सरकार ने जहां डाइवर्सिफिकेशन की बात, किसान को निवेदन किया कि वो जो फसली चक्र है उसको बदलने का काम करे, ताकि जो लिमिटेड रिसोर्स है हमारा ग्राउंड वाटर उसको सेव किया जा सके, जो सबसे बड़ी आने बड़े समय की चिंता है किसान के लिए, पीने के पानी की बात, सिंचाई की पानी की बात। तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए किसान को जहां बाध्य या बैन ना करते हुए वो तो अपनी जो धान की जो फसल है उसको लगाने से ना रोकते हुए उसको सुझाव देने का काम किया कि वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाए, अन्य जो ऐसी क्रॉप्स हैं जिन फसलों में कम पानी लगता है वहां प्रोत्साहित करने का किसान को काम किया है। उनको 7,000 रुपये तक का इंसेंटिव राशि जो है, उससे बीज खरीदे, उससे फर्टिलाइजर खरीदे या अन्य खर्चों पे लगाए वो देने का काम किया, उसका अनाउंसमेंट किया। और अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के उन हिस्सों में जाकर के जहां इसकी जरूरत है कि फसली चक्र को बदला जाए, धान से हट करके अन्य जो फसलें हैं, चाहे मक्का हो, मूंगी हो, अरहर हो या कोई और अन्य फसलें, उसकी तरफ किसान को लेकर के जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं, बहुत सारी राजनीति में उतार चढ़ाव नित नए दिन आते हैं। आज भी हमें सुनने को मिला कि जो लोग
आज वो पार्टियां ज्वाइन करते हैं, पार्टी में आ रहे हैं। कोई वक्त ऐसा था कि उनको पानी पी पी करके पोषण, और ऐसे लोगों को कोई किसी को ज्वाइन करे, हमें किसी के कोई आपत्ति नहीं है। तो पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जहां तक नरेश शर्मा जी को ज्वाइन करवाते हुए माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कुछ टिप्पणी की कि ऐसे लोगों को छोड़ करके हमारे साथ आ जाना चाहिए जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, मैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि 20 विधायकों से एक पर आ चुके हैं, 2% वोट पे आकर के खड़ा हो चुके, और जो 16% वोट लेकर के 4 विधायकों से 10 पर खड़े हैं, उनको उनके बारे में ऐसी अशोभनीय को टिप्पणी करना, कोई बात कहना, शायद ये प्रजातंत्र में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं है। मैं तो उनको कहूंगा कि वो अपने बारे में सोचें, उन पूर्व विधायक जी का हाउस के अंदर क्या चरित्र रहा, हमारे गोवर्धन नेता जी के बारे में, आदरणीय चुटाला साहब के बारे में किस तरीके की भाषा का प्रयोग वो करता रहा। वो किसी को भी ले, वो इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी के मालिक हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लेते हुए इस तरीके की अपने परिवार के बारे में, अपने बड़े भाई के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, वो शायद शोभा नहीं दे। और किस तरीके का उनका चरित्र रहा, मैं हमारे आदरणीय वरिष्ठ सीनियर लीडर केसी भंगड़ साहब से कहूंगा कि ये उस बारे में आपसे खुल करके चर्चा करें। सबका धन्यवाद करता हूं, और इसी के साथ जो बात प्रधान जी ने कही है नरेश शर्मा के बारे में, विधानसभा का रिकॉर्ड अवेलेबल है, स्वयं चौटाला साहब भी विधानसभा के सदस्य थे, और भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष भी उसमें विधानसभा के सदस्य थे। माँ बहन तक की गालियां आपस में, यानी इस तरह की पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हमने भी सुनने को मिली है, प्रश्न भी देखे हैं, और पूरे मीडिया जगत ने उसको पब्लिश भी किया है। काली भेड़ के कहा करते हैं उन लोगों को, आज वो काली भेड़े जो है ना, एक समूह इकट्ठा होता जा रहा है। चलो इकट्ठा करें, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे प्रधान जी ने कहा कि एक मर्यादा रखनी चाहिए कोई बात कहते हुए, जिन मर्यादाओं का वो तार तार उन्होंने किया था, आज वो लोग गले लग रहे हैं, और जो सगे माँ जाए भाई हैं जिन्होंने एक माँ का दूध पिया है, उनके बारे में शोभनीय बातें नहीं कहनी चाहिए। हमारा ये